दोस्तों दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले तो वो जो ईमानदारी और कानून के दायरे में रहकर मेहनत करके पैसे कमाते हैं, और दूसरे वो जो मेहनत की जगह बेईमानी और स्कैम करके पैसे कमाने की इच्छा रखते हैं। और अगर भारत की बात करें तो यहाँ पर एक से बढ़कर एक घोटालेबाज देखने को मिल चुके हैं, और दुर्भाग्य से यह सभी घोटालेबाज पकड़े ही नहीं जाते, क्योंकि कुछ शातिर लोग पहले ही अपना बंदोबस्त करके किसी दूसरे देश में भाग जाते हैं। और अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि घोटाला करने वालों में से ज्यादातर लोग भागने के लिए लंदन को ही चुनते हैं। अब चाहे वह विजय माल्या हो, नीरव मोदी हो या फिर ललित मोदी, लेकिन स्कैम सामने आने के बाद से इन लोगों की पहली पसंद लंदन ही होती है। लेकिन अब यह सवाल उठता है कि आखिर लंदन में ऐसा क्या है कि यह लोग स्कैम करने के बाद से वहीं जाना पसंद करते हैं। और दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में भी हम आपको इसी सवाल का ही जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हम सभी ने पिछले कुछ सालों में भारत के अंदर ललित मोदी, विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे बड़े बड़े घोटालेबाजों का पर्दाफाश होते हुए देखा है। और इन तीनों ही लोगों में एक चीज जो पूरी तरह से कॉमन थी वह यह तीनों ही अपना फ्रॉड सामने आने से पहले ही यूनाइटेड किंगडम के लंदन शहर भाग चुके थे। और जिस तरह से ये इतना बड़ा स्कैम करने के बाद भी आज तक पकड़े नहीं गए हैं, इससे यह बात तो साबित हो जाती है कि लंदन या फिर कहें कि पूरा यूनाइटेड किंगडम ही इन भगोड़े लोगों के लिए काफी सुरक्षित जगह है। और दोस्तों ललित मोदी, विजय माल्या और नीरव मोदी तो बहुत बड़े बड़े नाम हैं, इसीलिए इनके बारे में हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन आपको बता दें कि इनके अलावा भारत के बहुत से छोटे छोटे घोटालेबाज भी भागने के लिए लंदन को ही चुनते हैं। और एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2013 से लगभग 6000 फ्रॉडस्टर्स और क्रिमिनल्स भारत से हमेशा के लिए ही यूके का टिकट कटा चुके हैं। लेकिन दोस्तों चलिए अब हम बात करते हैं उन कारणों की जिसके वजह से यह सभी लोग छिपने के लिए यूके को ही चुनते हैं। तो दोस्तों क्रिमिनल्स और घोटालेबाजों द्वारा छिपने के लिए लंदन को चुनने का सबसे पहला कारण है वहाँ के स्ट्रॉन्ग ह्यूमन राइट्स कानून। यानी कि यदि यूके की अदालतों को लगता है कि अगर वह अपने देश में रह रहे किसी व्यक्ति को दूसरे देश को सौंपेंगे तो उसको टॉर्चर या फिर मौत की सजा सुनाई जाएगी, तो ऐसे में यूके की अदालत उस व्यक्ति को सौंपने से इनकार कर सकती है। और यूके के इन मजबूत ह्यूमन राइट्स कानूनों का फायदा सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के बहुत सारे भगौड़े और क्रिमिनल्स उठाते हैं। और दोस्तों अगर हम सिर्फ अपने भारत के भगौड़े लोगों की बात करें तो उनके लंदन जाने का एक मुख्य कारण यह भी है कि यूनाइटेड किंगडम का लीगल सिस्टम लगभग भारत की तरह ही काम करता है, और यही वजह है कि इन लोगों को नए देश के नए कानून को समझने में ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना पड़ता, और इससे इन लोगों को बहुत मदद मिलती है। इसके अलावा यूके इसलिए भी भगौड़ों को पनाह देता है क्योंकि वह जानता है कि अपने देश से भाग रहे लोग मोटा पैसा लेकर उसके देश में आएंगे, और इसीलिए यूनाइटेड किंगडम उन भगौड़ों का बाहें फैलाकर स्वागत करता है। और दोस्तों सिर्फ स्वागत ही नहीं करता बल्कि उन भगौड़ों को स्पेशल सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है जिसमें कि गोल्डन वीजा जैसी सुविधा भी शामिल है। हालांकि आप लोगों में से बहुत से लोगों ने गोल्डन वीजा का नाम पहली बार सुना होगा, इसलिए हम आपको बता दें कि यूके में गोल्डन वीजा लेने के बाद से किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर रहने के लिए कई साल तक का समय मिल जाता है। लेकिन ये गोल्डन वीजा प्राप्त करने के लिए उस व्यक्ति को यूके के अंदर 2 मिलियन पाउंड्स का बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। और यूनाइटेड किंगडम को यह पता होता है कि कोई भी क्रिमिनल पनाह पाने के लिए यह इन्वेस्टमेंट बड़ी ही आसानी से कर देगा, और फिर इन्वेस्टमेंट करवाने के बाद से यूके की इकोनॉमी और जीडीपी स्ट्रांग होती जाती है। और दोस्तों अगर बात करें इन भगौड़े लोगों की तो गोल्डन वीजा प्राप्त करने पर उन्हें यूके के अंदर और भी बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, और इन सुविधाओं में सबसे अहम सुविधा यह होती है कि जिस भी व्यक्ति के पास यह गोल्डन वीजा होता है उसके ऊपर यूके का कोई भी सख्त कानून लागू नहीं किया जाता, और यह लोग बड़े आराम से यूके के अंदर अपनी आगे की लाइफ को प्लान करते हैं। और दोस्तों इतना ही नहीं, गोल्डन वीजा के अलावा भी यूके इन लोगों को और भी बहुत सारी प्रीमियम सर्विसेज प्रोवाइड करता है जिनकी मदद से अगर यह लोग चाहें तो अपना पूरा जीवन भी यूके के अंदर आराम से बिना किसी चिंता के बिता सकते हैं। और इसीलिए यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि यूके पैसों के लालच में इन भगौड़ों को पनाह देता है। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच 1992 में प्रत्यर्पण संधि साइन की गई थी, जिसका मतलब यह है कि यह दोनों ही देश एक दूसरे देश के भगौड़े लोगों को एक दूसरे को सौंपने के लिए राजी हुए थे। लेकिन आपको यह जानकर काफी हैरानी होगी
कि 1992 से अब तक यूके ने भारत को सिर्फ एक भगोड़ा व्यक्ति ही सौंपा है, जबकि पिछले साल ही भारत ने यूके को 57 भगोड़ों की लिस्ट दी थी जो कि भारत से भागकर यूके में छिपे हुए हैं। और दोस्तों, भारत जब भी यूके से किसी भी व्यक्ति को सौंपने के लिए कहता है तो फिर यूके कुछ न कुछ बहाना बना देता है। उदाहरण के लिए विजय माल्या की अगर बात करें तो यूके का कहना है कि भारत की जेलें विजय माल्या को कैद करने के हिसाब से ठीक नहीं है और इसी कारण यूके विजय माल्या को नहीं सौंपता है। और दोस्तों, यूके द्वारा कही गई इस बात से यह साफ जाहिर होता है कि विजय माल्या को बचाने के लिए ह्यूमन राइट्स के कानूनों का वह गलत इस्तेमाल कर रहा है। और सिर्फ विजय माल्या ही नहीं बल्कि और भी जितने भगौड़े लोग भारत से भागकर यूके में छिपे हुए हैं, उन सभी के लिए यूके इसी प्रकार के बहाने बनाते हुए नजर आता है। और दोस्तों, भारत के अलावा पाकिस्तान के लोग भी भागने के लिए यूनाइटेड किंगडम को ही चुनते हैं। और पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ, पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनका परिवार, बेनजीर भुट्टो के परिवार के लोग, बिलावल भुट्टो और उसकी बहनें और भी बहुत सारे लोग यहीं पर रहते हैं। और दोस्तों, भारत से यूके भागे हुए इन भगौड़े लोगों में सिर्फ स्कैम करने वाले लोग ही नहीं बल्कि हत्यारे और आतंकवाद फैलाने वाले लोग भी शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए साल 1993 में हुए गुजरात ब्लास्ट का आरोपी टाइगर हनीफ भी यूके के अंदर ही छिपा हुआ है। इसके अलावा टी सीरीज कंपनी के फाउंडर गुलशन कुमार की हत्या का आरोपी नदीम सैफी भी काफी लंबे समय से यूके के अंदर ही छिपा हुआ है। और दोस्तों, इन्हीं की तरह ही ना जाने कितने ही आरोपी भारत से भागकर यूके में छिपे बैठे हैं। और इन सभी बातों से यह साबित होता है कि यूके अपने लालच की वजह से इन फ्रॉडस्टर्स, घोटालेबाजों और यहाँ तक कि आतंकवादियों को भी अपने देश में पनाह देता है। और जब भारत यूके से इन अपराधियों को सौंपने की मांग करता है तो वह ह्यूमन राइट्स का गलत इस्तेमाल करते हुए अपराधियों को ना सौंपने का कुछ ना कुछ बहाना बना ही देता है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि यूके दुनिया के हर एक देश के साथ इस तरह की बहानेबाजी नहीं करता है। उदाहरण के लिए अमेरिका ने साल 2004 से 2011 के बीच यूके से 130 भगौड़े लोगों को सौंपने की रिक्वेस्ट की थी, जिसमें से यूके ने सिर्फ 10 को ही रिजेक्ट करके बाकी लोगों को सौंप दिया था। और दोस्तों, इसीलिए इस चीज का भी काफी फर्क पड़ता है कि सामने वाला देश कौन सा है और वह यूके पर कितना दबाव डाल सकता है। और हम अगर अपने भारत की बात करें तो भारत के द्वारा यूके पर कोई बहुत ज्यादा दबाव नहीं बनाया जाता, जिसकी वजह से यूके बड़े ही आसानी से बहाने बना देता है। और दोस्तों, इसीलिए हम यह भी कह सकते हैं कि यह भगौड़े लोग जो आराम से यूके में छिपे बैठे हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा देश खुद भी जिम्मेदार है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी यह वीडियो जरूर ही पसंद आई होगी। और दोस्तों, इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए कृपया लाइव हिंदी को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।